नेक्स्ट क्लास 12, आज हम लोग जो मैक्सिमम मिनिमा के ग्राफ के बारे में बात कर रहे थे उनके बारे में शुरुआत करते हैं। तो y इज इक्वल्स टू, हम लोग को ड्रॉ क्या करना है, y इज इक्वल्स टू मैक्सिमा या फिर क्या मिनिमा एफ एक्स कॉमा जी एक्स। ये चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि दो ही ग्राफ हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो वन बाई वन हम लोग जो है ग्राफ ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट y इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स। तो सबसे पहले वर्किंग रूल, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ये y इक्वल्स टू एफ एक्स ले लेंगे, एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू जी एक्स, ये सपोज जी एक्स का ग्राफ है। देन उसके बाद फिर हम लोग इनका क्या निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, देन वी गेट एक्स इक्वल्स टू एक्स वन कॉमा एक्स टू कॉमा एक्स थ्री। एक्स वन कॉमा एक्स टू कॉमा एक्स थ्री का मीन्स कि जहां जहां ग्राफ इंटरसेक्ट हो रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग को मिल जाएंगे। और देन फिर हम लोग लेफ्ट टू राइट ग्राफ हमेशा कैसे देखते हैं, लेफ्ट टू राइट हम लोग ग्राफ देखना शुरू करेंगे। और ग्राफ देखने के बाद अब इस बार हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम का मतलब जहां पे ग्राफ इंटरसेक्ट करे उनमें जो सबसे अपवर्ड ग्राफ होगा वो मैक्सिमम का हो जाएगा। तो हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि जो अभी हम लोग को ग्राफ मैक्सिमम दिखेगा वो कौन सा दिखेगा, ब्लू वाला, क्योंकि रेड नीचे। तो जिस ग्राफ को हमें रिप्रेजेंट करना है उसको मैं बोल्ड कर दूंगा और जिसको रिमूव करना है उसको डॉटेड कर दे रहा हूं। देन उसके बाद अब इस x1 के बाद नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में अपवर्ड कौन सा दिख रहा पार्ट हम लोग को, रेड वाला। तो ये रेड वाला ग्राफ है। तो अब इस बार जो रिमूव होगा वो कौन सा ग्राफ हो जाएगा, ब्लू वाला पार्ट। नेक्स्ट फिर x2 के बाद x3 में अगर हम लोग देखेंगे तो इस बार ब्लू वाला हम लोग को अपवर्ड दिखेगा, तो ये ग्राफ अपवर्ड रहेगा। और अभी डाउनवर्ड वाला ग्राफ रिमूव हो जाएगा। और देन x3 के बाद जो है रिप्रेजेंट रेड वाला रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये रिप्रेजेंट रहेगा। और अब यहां पे हम लोग एक बात देख रहे हैं, कौन सी बात देख रहे हैं, तो वो बात ये है कि यहां पे जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पे क्या रिप्रेजेंट हो रही है, हम लोग को एज रिप्रेजेंट हो रही है। तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इट इज ऑलवेज नॉट डिफरेंशिएबल। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ये जो होगा ये हमेशा क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल मिलेगा हम लोग को। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये जो हम लिखा हो अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ पी कॉमा क्यू इक्वल टू वन बाय टू पी प्लस क्यू माइनस प्लस मॉड पी माइनस क्यू। ये इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कैसे देख लीजिए प्रूफ, हम लोग यहां पे क्या देख रहे हैं, जब ये ग्राफ हमारा ब्रेक हो गया है तो क्या हम लोग को मिल रहा है,
कि जो मैक्सिमम है इंटरवल में वही तो रिप्रेजेंट हो रहा है। तो अगर मैक्सिमम ऑफ पी कॉमा क्यू लिखा हुआ है, तो अब मुझे तो ये पता नहीं कि पी और क्यू में कौन मैक्सिमम है, तो मैं यहाँ पे दो केस बनाऊंगा। फर्स्ट, पी ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्यू। अगर पी ग्रेटर है क्यू से, तो इस मैक्सिमम का जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, पी निकल जाएगा। और क्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू पी, तो इसमें से अब क्यू मैक्सिमम हो गया, क्यू ज़्यादा बड़ा हो गया तो मैक्सिमम यहाँ से क्यू बाहर आ जाएगा। और अब ये जो पार्ट लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है मॉड पी माइनस क्यू, तो इसका मतलब ये पी जब ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्यू होगा तो ये पी माइनस क्यू हो जाएगा टर्निंग पॉइंट, और पी लेस देन आर इक्वल टू अगर क्यू होगा तो ये माइनस पी माइनस क्यू हो जाएगा। और अब मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो जब मैंने ये वैल्यू पुट करी, क्या वन अपॉन टू, दो केस बनेंगे, ए पी ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्यू, वन अपॉन टू पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू, ये से कैंसिल हो जाएगा तो इसका रिजल्ट पी आ जाएगा। बी क्यू ग्रेटर देन पी, तो पी प्लस क्यू माइनस पी माइनस क्यू, ये से कैंसिल हो जाएगा और इसका रिजल्ट क्यू आ जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, तो हम लोग ये देख रहे हैं जब पी ग्रेटर देन क्यू है तो पी आ जा रहा है, और क्यू ग्रेटर देन पी है तो क्या जा रहा है, क्यू। तो यहां से भी देख रहे हैं जब पी ग्रेटर देन क्यू है तो पी आ रहा है, और क्यू ग्रेटर देन पी है तो क्या रहा है, क्यू आ रहा है। तो दैट मीन्स कि ये दोनों रिजल्ट आपस में क्या है, बराबर। इसलिए ये एक इसकी सिंपल प्रॉपर्टीज बन जाती है कि मैक्सिमम पी कॉमा क्यू इक्वल टू वन अपॉन टू पी प्लस क्यू प्लस मॉड पी माइनस क्यू। ये ध्यान रखेंगे पी क्यू तो इसलिए लिख दिया नॉर्मली, हमको जरूरी नहीं पी क्यू लिखे, हम एफ एक्स कॉमा जी एक्स भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस मॉड एफ एक्स माइनस जी एक्स। नेक्स्ट, ये तो बात हुई मैक्सिमम के लिए। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके लिए, मिनिमम के लिए। इसको रब कर दे रहे हैं अब। टी वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स और ये y इज इक्वल्स टू जी एक्स, ये लिखा हुआ है। और यहां पर ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1, ये x2, ये x3। तो सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए फिर से वही बात होगी कि हम लोग ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल्स टू जी एक्स, और उसके बाद फिर इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, मान लिया x1 x2 x3 आ गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में इसमें भी हमेशा क्या मिलेगा, नॉट डिफरेंशियबल ही मिलेगा। और अब चूंकि ग्राफ किसकी बात हो रही है, मिनिमम की बात हो रही है, तो मिनिमम का मतलब इस ग्राफ जो है सबसे डाउनवर्ड जो ग्राफ होगा, तो डाउनवर्ड ग्राफ हम लोग रखेंगे और उसके बाद अपवर्ड ग्राफ को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो यहां से इस बार जो डाउनवर्ड है वो ब्लू कलर वाला ग्राफ है, तो ये अपवर्ड वाला ग्राफ जो है रिमूव हो जाएगा ये ऐसे। और अब इस x1 और x2 में रेड वाला रिप्रेजेंट होगा, उसके बाद फिर ब्लू वाला और फिर रेड वाला बच जाएगा लास्ट में। तो यहाँ पे फिर से देख रहे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में एज बन रही, तो इसलिए नॉट डिफरेंशियबल ही मिलेगा हमेशा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या मिलेगा, नॉट डिफरेंशियबल, चाहे वो मैक्सिमा के लिए हो चाहे क्या हो, मिनिमा के लिए हो। अब यहाँ पे एक चीज हम लोग और सिखा दे रहे हैं कि जैसे मान लो कि ये हमें खाली इंटरवल ही रिप्रेजेंट करने का रहता है, मान लो कि मिनिमम है, किसी ने कहा कि मिनिमम एफ एक्स कॉमा जी एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखो हमने ग्राफ बेस में बना लिया, तो अब ब्लू कलर वाला जो ग्राफ है वो क्या है, एफ एक्स का है, तो
और रेड अलॉय जो है वो किसका है, जी एक्स का है। तो यानी कि अब एक्स लेस देन एक्स वन तो ये एफ एक्स हो जाएगा, फिर एक्स ग्रेटर देन एक्स वन लेस देन आर इक्वल टू तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये जी एक्स आ जाएगा, और एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स टू लेस देन आर इक्वल टू एक्स थ्री तो ये क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा, और फिर एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स थ्री तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये जी एक्स आ जाएगा। और अब फिर जैसे मैक्सिमम के लिए प्रॉपर्टीज है ऐसे ही इसमें क्या होता है, मिनिमम के लिए भी होती है। तो मिनिमम के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिनिमम ऑफ पी कॉमा क्यू इक्वल टू माइनस दिस। तो यहाँ पे प्रूफ करना चाहोगे तो सी किसी तरीके से प्रूफ हो जाएगा, जैसे इसको प्रूफ किया था सेम प्रोसेस है। ये तो यहाँ मिनिमम आ जाएगा, तो मिनिमम में क्या होगा कि p ग्रेटर देन q है तो यहाँ से बाहर क्या आएगा, q आ जाएगा, और जब q ग्रेटर होगा p से तो क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। तो ये तो हुई इसकी प्रॉपर्टीज। नॉर्मली एफ एक्स कॉमा एफ एक्स या सॉरी मैक्सिमम मिनिमा के जो ग्राफ होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, हमेशा ही क्या मिलते हैं, कंटिन्यूस। तो अब इनके क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कि लेट एफ सेज दैट आर टू आर बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू मैक्सिमम एक्स कॉमा एक्स क्यूब द सेट ऑफ ऑल पॉइंट वेयर एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल इज। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। किसका ग्राफ प्लॉट कर लेंगे कि अब यहाँ पे दो फंक्शन दे दिए गए हैं, एक ये y के इक्वल हो जाएगा, एक दूसरा ये y के इक्वल हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर ऑड, ये इस पैटर्न से हम लोग ड्रॉ करते थे। और y इज इक्वल्स टू x, ये इस तरीके से आ जाएगा इसका ग्राफ। और अब हम इन सब का क्या निकाल देंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और जो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहीं पे फंक्शन क्या होता है, नॉट डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, y को इक्वेट कर देंगे तो x क्यूब इक्वल टू x, x कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कम हो जाएंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू एक जीरो आ जाएगी और प्लस माइनस वन, तो जीरो ये हो गया, ये प्लस वन हो जाएगा, ये माइनस वन। और अब हमें चाहिए मैक्सिमम का ग्राफ। तो मैक्सिमम का ग्राफ जो है ये आ जाए, और फिर इधर ये आ जाएगा, और इधर जो मैक्सिमम है वो कौन सा है, रेड पार्ट है, और फिर वन के बाद जो मैक्सिमम है वो कौन सा है, ब्लू वाला पार्ट है। तो ये इस तरीके से इसका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देख कि कहाँ कहाँ एज बन रही, एक माइनस वन पे, एक जीरो पे, एक वन पे, तो नॉट डिफरेंशिएबल क्या हो गया, अब उसके बाद। अब देखो पहला क्वेश्चन था तो मैं ग्राफ वगैरह प्लॉट कर दिया, लेकिन आगे किसी क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये स्टेटमेंट बोला जाता है नॉट डिफरेंशिएबल। तो हम सीधे क्या करेंगे कि ये जो फंक्शन है इनको इक्वेट करके इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देंगे, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वहीं पे फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। हमें ग्राफ प्लॉट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्लियर। अब इसके आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि एच एक्स इज इक्वल्स टू मिनिमम एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, देन एच एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स, एच एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स, एच डैश एक्स इक्वल्स टू वन फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन वन, डी एच एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट टू वैल्यू ऑफ एक्स।
यहां पर फिर से चूंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल्स टू x ये हो गया और ये y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, इसका ग्राफ प्लॉट कर देंगे। तो y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर ये हो जाएगा इसका ग्राफ, और y इज इक्वल्स टू x ये इसका ग्राफ प्लॉट हो गया। अब यहां पे हम लोग को क्या निकालना है कि ये कंटिन्यूस और डिफरेंशियबल डैश नॉट डिफरेंशियबल। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात आएगी तो फिर से वही y की वैल्यू को इक्वेट कर दिया जाएगा। तो ये क्या है, x स्क्वायर इक्वल टू x, तो x का वैल्यू एक जीरो आ गया और एक क्या आ गया, वन, तो ये जीरो हो गया और ये वन हो गया। और अब इस बार ग्राफ हमें किसका ड्रॉ करना है, मिनिमम का ड्रॉ करना है, इसलिए ग्राफ में जो सबसे डाउनवर्ड होगा उसको रिप्रेजेंट कर रखेंगे, बाकी सबको रिमूव कर देंगे। तो इसमें इस पॉइंट से लेफ्ट से राइट हमेशा ग्राफ देखते हैं जैसे बताया, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, जीरो, तो इसलिए ई वाला पोर्शन इसमें देखा जाएगा। फिर जीरो से वन के बीच में ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है हम लोग को, तो ये पार्ट रह जाएगा। और उसके बाद फिर जब x का वैल्यू वन से ग्रेटर होगा तो हम लोग को जो है ये रेड वाला ग्राफ दिखेगा। तो इस तरीके से हमारा जो ग्राफ है मिनिमम के लिए वो हम लोगों ने प्लॉट कर लिया। अब हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या चेक करनी है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स, इनकेस अगर मैक्सिमा और मिनिमा के अंदर पॉलिनोमियल है तो ये तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लो कि ये हमेशा ही कंटिन्यूस मिलेगा, तो इसलिए ये कंटिन्यूस हो जाए क्योंकि कहीं से ब्रेक ही नहीं होगा। एच एक्स इज डिफरेंशियल फॉर ऑल एक्स, नहीं, क्योंकि हमें पता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में क्या मिलेगा, नॉट डिफरेंशियबल, तो ये पार्ट हो नहीं सकता। एच डैश एक्स इक्वल्स टू वन यानी कि डिफरेंशिएशन की बात हो, तो यहां पर फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन वन, तो जब वन से ग्रेटर है तो हमें कौन सा ग्राफ मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है, यानी कि एच एक्स जो हो रहा है वो एक्स में कन्वर्ट हो रहा है, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन, तो डी अपॉन डी एक्स, एच एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स, ये एक्स हो गया, तो ये एच डैश एक्स इक्वल टू क्या आ गया, वन। तो इसका मतलब कि जब एक्स का वैल्यू वन से ग्रेटर होगा तो वो हमेशा एक्स मिलेगा, तो इसका मतलब ये पार्ट भी सही होगा। अब एच एक्स इज नॉट डिफरेंशियबल एट टू पॉइंट, यस, तो यहां पे भी देखो एक एज मिल रही, यहां पे भी एज मिल रही, तो इसलिए ये दो पॉइंट पे क्या मिलेगा, नॉट डिफरेंशियबल, तो इसमें जो है डी पार्ट भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मिनिमम वन कॉमा एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स क्यूब, देन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल एवरीवेयर, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशियबल एट टू पॉइंट, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशियबल एट वन पॉइंट। तो इस बार यहाँ पे तीन फंक्शन दिख रहे हैं इसलिए हमें तीन ग्राफ ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो ड्रॉ करते हैं। अब यहां पर एक तो ये y इक्वल टू हो जाएगा, ये क्या हो गया, इसको मैं ब्लू से बना दूंगा और इसको ब्लैक से, तो y इक्वल टू वन, तो y इक्वल टू वन वाली लाइन ऐसे प्लॉट हो जाएगी।
और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। और अब x क्यूब का ग्राफ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हमें पता ही इजीली कि ये x का वैल्यू, जहाँ y वन करोगे x का वैल्यू एक प्लस वन आ जाएगा, एक वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस वन यहाँ पे आ जाएगा। और x क्यूब का ग्राफ पता है हम लोग को, तो x क्यूब, अब ये जो पॉइंट है ये जीरो और वन के बीच में है, तो x क्यूब का ग्राफ कैसे ऐसे ही चलेगा ना। तो x क्यूब जो होगा जीरो और वन के बीच में वैल्यू है, तो x क्यूब का वैल्यू और एक्स स्क्वायर के वैल्यू में कौन ग्रेटर होगा, जरा सोचो। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर कहाँ पर, जब एक्स का वैल्यू जीरो और वन के बीच में होगा तो ये वैल्यू ज़्यादा ग्रेटर होगा, क्योंकि क्यूब करेंगे तो डेसिमल वैल्यू और लेस हो जाएगी, तो उसका अलावा वो जीरो से वन के बीच में नीचे आएगा। लेकिन जब एक्स का वैल्यू वन से ग्रेटर होगा तो एक्स स्क्वायर लेस हो जाएगा और एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। इसलिए जब एक्स क्यूब का ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे तो कैसे चलेगा, वो ऐसे जाएगा, नीचे तो ये ऐसे रहेगा लेकिन वन के बाद वो और बढ़ जाएगा। तो ये इस तरीके से इसका एक्स क्यूब का ग्राफ आ जाएगा। और अब यहां पे हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो जब हम लोग देखेंगे जी, अब ये हमें तो यहां से जो है ग्राफ देख लीजिए क्या क्या आएगा। सबसे पहले हम लोग को जो है यहां पे देखना है मिनिमम का ग्राफ। मिनिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो स्टैंडर्ड, इसलिए अलग से निकालने की जरूरत नहीं। मिनिमम का मतलब जो सबसे नीचे, तो पहला यहां पे इंटरसेक्शन जीरो पे जा रहा है, तो इसलिए ये जो होगा इधर वाले पोर्शन में तो ये सिर्फ मिनिमम के नाम पर ये वाला पोर्शन ही रह जाएगा। अब उसके जब जीरो और वन के बीच में देखेंगे तो रेड ब्लू ब्लैक में कौन मिनिमम है, ब्लैक वाला मिनिमम है, इसलिए ये वाला पोर्शन रह जाएगा। और जब वो वन से ग्रेटर होगा तो वन से ग्रेटर में मिनिमम कौन है सबसे, रेड वाला, तो इसलिए यहां पर जो है ये रेड वाला पार्ट रह जाएगा। तो फाइनली ये जो ग्राफ होगा ये सिर्फ इस तरीके से ही ग्राफ रिप्रेजेंट होगा। ये ग्राफ आ जाएगा। और अब यहां पे इस ग्राफ में देख रहे हैं क्या, वो ये देख रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे एज बन रही है, तो इसका एक पॉइंट पे ही क्या होगा, नॉट डिफरेंशियबल, कंटिन्यूअस, तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस, पॉलिनोमियल है तो हमने बताया था कि कंटिन्यूअस दिखेगा ही दिखेगा। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन। नेक्स्ट अब इसके आगे अगले क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एफ सच दैट आर टू आर एंड जी सच दैट आर टू आर बी रिस्पेक्टिवली गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस वन एंड जी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, डिफाइन एच एक्स मैक्सिमम दिस दिस। तो अब यहाँ पर हम लोग को जो एफ एक्स गिवन है और जो जी एक्स गिवन है, वो स्टैंडर्ड फंक्शन है। बस एफ एक्स में क्या हो रहा है, प्लस वन कर दिया गया, तो इसका मतलब कि ये वन यूनिट जो है अपवर्ड हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये भी एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऑलरेडी स्टैंडर्ड हमें नोन है, प्लस वन कर देंगे तो वन यूनिट क्या जाएगा, अपवर्ड आ जाएगा। तो ये जो है ये ब्लू से बनाए दे रहे हैं और ये जो है हम लोग ब्लैक से कर दे रहे हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन, अब मॉड एक्स का ग्राफ तो ये होता है जैसे प्लस वन करेंगे तो वन यूनिट अपवर्ड आ जाएगा। तो ये यहां से
ये इसका ग्राफ बन जाएगा एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन। तो ये x प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन, और अब देन इसमें जी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम लोग को ऑलरेडी नोन है, ये होता है प्लस वन कर देंगे तो वन यूनिटी अपवर्ड आ जाएगा, तो मतलब वो इस पॉइंट से आ जाएगा। और अब हम लोग से क्या बोला जा रहा है कि x ग्रेटर देन और x लेस देन के लिए अलग अलग है चीजें। अब यहां पे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले निकाल लिया जाएगा, तो ये तो y इक्वल टू क्या हो गया x स्क्वायर, और ये भी y इक्वल टू, ये इधर भी लिख दे रहे हैं x स्क्वायर प्लस वन और ये x स्क्वायर प्लस वन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब निकालेंगे तो जैसे इसको इक्वेट करेंगे तो एक एक्स का वैल्यू जीरो और वन आ जाएगा, और इधर जीरो और माइनस वन आ जाएगा वाई की वैल्यू जब इक्वेट करोगे। अच्छा, अब यहां पे हमें क्या दिया गया है कि जब एक्स लेस देन आर इक्वल टू जीरो तो एफ एक्स जो मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स, तो मैक्सिमम एफ एक्स कौन सा है ब्लैक ब्लू वाला ग्राफ, तो यहां पर मैक्सिमम, तो यहां पर जो है हम लोग को मैक्सिमम कौन दिख रहा है, ये वाला ग्राफ दिख रहा है क्योंकि x लेस देन आर इक्वल टू के लिए देखना है ये इधर। और अब उसके बाद जो हम लोग को मैक्सिमम दिख रहा है वो कौन सा इस ग्राफ में दिख रहा है, ये ब्लू वाला दिख रहा है, तो ये पोर्शन इधर से हट जाएगा। और जैसे ही x ग्रेटर देन जीरो हुआ तो अब हमें ग्राफ कौन सा चाहिए, मिनिमम, तो मिनिमम वाला ग्राफ ये आ जाएगा। और अब उसके बाद फिर जो मिनिमम हम लोग को मिलेगा ये ब्लू वाला ग्राफ इधर से आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन हो जाएगी ये y इक्वल टू इधर x प्लस वन, ये y इक्वल टू क्या हो गई माइनस x प्लस वन, बाकी ये सब तो हम लोग को नोन हो गया। अब हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग की जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ नंबर ऑफ पॉइंट वेयर एफ एक्स एच एक्स इज नॉट डिफरेंशियबल, तो नॉट डिफरेंशियबल कहाँ कहाँ है एच बन रही, एक ये पॉइंट, एक ये और एक ये, तो ये थ्री पॉइंट पे क्या हो गया नॉट डिफरेंशियबल। तो इस तरीके से मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम लोग को क्वेश्चन करने हैं। और अब इस पर हम जरा एक दो इंटीग्रेशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन से रिलेट। तो इंटीग्रेट माइनस टू 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 मिनिमम मॉड एक्स प्लस वन मॉड एक्स मॉड एक्स माइनस वन। तो अब यहां पे तीन है तो हम तीनों के ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो मॉड एक्स इसका ग्राफ में ये ब्लू से बनाया दे रहा, तो मॉड एक्स ग्राफ ये इस तरीके से आ जाएगा। और अब ये जो ग्राफ है मॉड एक्स माइनस वन, तो अब इस ग्राफ के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, मैं सीधे बोल सकता हूं मॉड एक्स वाले ग्राफ को वन यूनिट राइट शिफ्ट कर दिया गया है, इसको रेड से प्लॉट कर दे रहे हैं। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो ये जो ग्राफ आ गया ये इधर तो आ जाएगा x माइनस वन और इधर आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वन। तो ये y इक्वल्स टू मॉड x माइनस वन का ग्राफ प्लॉट हो गया। और अब यहां पे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी देख लेते हैं। तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग को मिल रहा है वो क्या मिला, ये तो जीरो हो गया, स्टैंडर्ड हो गई बात, ये यहां पर, तो यहां पे जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखेंगे
तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये x हो गया और ये y इक्वल्स टू x माइनस वन, सॉरी ये y इक्वल्स टू x हो गया और ये इस लाइन के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है इसके साथ, तो x इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन। और अब ये जो रिजल्ट आ जाएगा ये 2x इक्वल टू वन, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1 बाई टू, तो ये 1 बाई टू हो गया। इसको एक काम करिए, इंटीग्रेशन को माइनस वन से प्लस वन ही रखिए, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, आगे 2 रख देंगे तो 2 यहाँ तक रख के मिनिमम में ये रेड वाला रह जाता और इधर वाला पोर्शन, फिर इधर वाला पोर्शन निकल आया, तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये आ गया। अब उसके बाद अब इस ग्राफ को 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, अब जब 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे तो ये 1 और इधर ये पॉइंट क्या आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा, तो ये जो पॉइंट आ गया वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन, और इधर जो ये पॉइंट आ जाएगा वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन, ये पॉइंट तो एक्स वैल्यू जीरो पुट करोगे तो वन ही आएगा। और अब इधर भी हम लोग इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस लाइन, ये येलो लाइन और इसका इंटरसेक्शन होगा, तो यहाँ से क्या माइनस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो फाइनली एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस वन बाई टू, तो ये माइनस वन बाई टू। अब हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो कैसे ग्राफ को रखने की, मिनिमम, तो यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें मिनिमम जब हम लोग शुरू चलना शुरू करेंगे तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये जो ब्लैक वाला पार्ट है यही हमें सबसे मिनिमम दिखेगा, ये, और इधर वन के इधर तो ये ब्लैक वाला ही ये भी मिनिमम दिख रहा है, तो इस पार्ट तक हम लोग इसको सब, ये सब क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। फिर वन माइनस वन बाई टू से जीरो में जो मिनिमम है वो कौन सा पार्ट हम लोग को दिख रहा है, ये ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है, तो ये वाला पार्ट हट जाएगा। फिर जीरो से वन बाई टू में जो हमें दिख रहा है वो ब्लू वाला दिख रहा है, तो ये पार्ट हट जाएगा। और अब इसके बाद 1 बाई टू से 1 के बीच में जो मिनिमम में दिख रहा है ये रेड वाला पार्ट हम लोग को दिख रहा है, तो ये पार्ट हट जाएगा पूरा, और उसके बाद तो रेड है ये मिनिमम, तो ये इसका ग्राफ हो गया। अब हमारी जो जरूरत है वो माइनस वन से प्लस वन के बीच में इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन का मतलब हमने सीधे क्या बताते थे, एरिया, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये नॉर्मल दो ट्राइंगल जैसे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, और दोनों ट्राइंगल कैसे दिख रहे हैं हम लोग को, सिमेट्रिकल दिख रहे हैं, तो एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के इंटू ट्वाइस कर देंगे तो इससे मेरे पूरा एरिया मिल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये वन हो गया, और इसका हाइट क्या हो जाएगा वन बाई टू, तो यहाँ से कितना आ जाएगा वन अपॉन टू बेस इंटू हाइट, तो ये इसका आंसर क्या आ गया वन बाई फोर, तो ये हो गया इसका काम कंप्लीट। अब इसके आगे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में जो एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज फिफ्थ में सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करिएगा क्वेश्चन नंबर 7, इसके आगे फिर हम लोग के नेक्स्ट ग्राफ का जो काम होगा वो इसके आगे करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।